नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं बजाज फिनसर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में, इसकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैं टोटल आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगी, किस ऑनलाइन पोर्टल को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बजाज फ्रेंचाइजी फिनसर प्रोग्राम की लेने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना अनिवार्य है, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। दूसरी चीज़ है, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीलर या मैन्युफैक्चरर हो तो भी इसकी फ्रेंचाइजी आप आराम से ले सकते हैं, और अगर आपको इसमें 800 रुपये पर रेफरल मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप अपने दोस्त या रिलेटिव में जब भी शेयर करते हैं तो पर रेफरल आपको 800 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी कैसे लेना है, इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व पार्टनर प्रोग्राम के बारे में, कि आप इसका नेटवर्क कार्ड या फिर ऑनलाइन खरीदारी या उससे जुड़ी हर चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के आप साइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को देखते हैं। EMI स्टोर पर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य चीजें खरीदने के लिए EMI नेटवर्क कार्ड का उपयोग आप करते हैं तो घर बैठे नो कास्ट EMI पर खरीदारी कर सकते हैं। होम डिलीवरी, जीरो डाउन पेमेंट, घर बैठे डेमो जैसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon हो गए, Flipkart हो गए, मेक माई ट्रिप से भी खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड के बारे में। तो ये जो कार्ड है वो आपको शॉपिंग करने का एक आसान साधन है, जिसके द्वारा आप अपने सुविधाजनक रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी कर सकते हैं। इस कार्ड के द्वारा आप गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स या लाइफ केयर सर्विसेज या मनपसंद वस्तु खरीद सकते हैं और 3 से 24 महीनों की अवधि में मूल्य इसका चुका सकते हैं। अब मैं चलिए इसके फायदे के बारे में आपको बता दूं कि बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड के साथ बजट के अनुकूल खरीदारी के अलावा आप समय समय पर मिलने वाले इसके आकर्षक उपहारों और ऑफर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। जैसे शॉपिंग करते समय आपको हर बार किसी भी दस्तावेज को जमा करने की जरूरत नहीं है। कार्ड के लिए आवेदन करते समय केवल कुछ मूल डॉक्यूमेंट जमा कर आप EMI नेटवर्क कार्ड के साथ आप प्री अप्रूव्ड ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगी कि इस कार्ड के साथ आपको खरीदारी कैसे करना है, हम थोड़ा देख लेते हैं कि बजाज फिनसर्व EMI कार्ड के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यह आपका 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ 3 आसान चरणों में इंस्टा EMI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका कार्ड तुरंत एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 4 लाख तक की आप खरीदारी कर सकते हैं। आसान EMI पर 1.5 मिलियन से प्लस प्रोडक्ट खरीदने और सर्विस पाने के लिए आपने EMI नेटवर्क कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इंस्टा EMI कार्ड के साथ आप आसान EMI पर 2 लाख तक की खरीदारी कर सकते हैं। तो आप हमारे 1300 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद 60,000 से अधिक रिटेल पार्टनर स्टोर्स पर अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क के रिटेल पार्टनर स्टोर्स के विकल्पों को देखने के लिए आप बजाज फिनसर्व वेबसाइट के स्टोर लोकेटर पेज पर अपने शहर और कैटेगरी का विवरण डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं EMI स्टोर, इसपे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे एयर कंडीशनर, कैमरा के सहायक उपकरण, साइकिल, स्वास्थ्य उपकरण, फर्नीचर, किचन अपीरियंस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, LED टीवी, मैटर्स, मतलब जो भी चाहिए, फ्रिज, स्मार्ट वॉच, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मान लीजिए कि हमने लैपटॉप पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप जो भी आपके पसंद का है, जो भी आप एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं, उसमें जाकर के आप विजिट करके वो चीज ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आराम से। तो ऑनलाइन पार्टनर्स प्रोग्राम ये जो है आपका, इस सूची में रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स,
तलवर सेल्स, बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, लॉरेंस एंड मेयो, रिबॉक, शॉपर्स स्टॉप, कॉन्ग्स। साथ में आप हमारे ऑनलाइन पार्टनर्स जैसे अमेजोन, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट यात्रा आदि का बजाज फिनसर्व प्रोग्राम के तहत नेटवर्क कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बजाज फिनसर्व ईएमआई स्टोर पर लॉग इन कर अपनी जरूरत के सामान को ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। अब हम आपको बताने वाले कि ईएमआई नेटवर्क कार्ड के साथ कैसे आप शॉपिंग करेंगे। तो ईएमआई नेटवर्क कार्ड का उपयोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से किया जाता है। अपनी जरूरत का सामान पसंद करें, फिर बजाज फिनसर्व इजी ईएमआई जैसे पेमेंट का विकल्प चुनें। एक उपयुक्त ईएमआई योजना चुनें और एक ओटीपी द्वारा अपने ऑर्डर की पुष्टि करें। यदि आप ईएमआई स्टोर पर खरीदारी कर रहे हैं तो आप केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ साइन अप कर सकते हैं और अपनी ईएमआई कार्ड की सीमा देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं बजाज फिनसर्व के लिए। अब यहाँ पे आपको फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट इट नाउ होगा, फिर ओटीपी आएगा आपके फोन में जो सबमिट करना है, जिसमें आपको अमाउंट टोटल लगेगा 530 रुपए। ये देखिए, कोई भी नंबर आप डाल करके इसमें सबमिट कीजिए अपना। उसके बाद आपको अपने ईएमआई कार्ड की सीमा देख सकते हैं। मोबीक्विक द्वारा संचालित बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप के माध्यम से आप अपने डिजिटल ईएमआई नेटवर्क कार्ड के द्वारा अपने खरीदारी का भुगतान किसी भी रिटेल पार्टनर स्टोर पर कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक बजाज फिनसर्व ग्राहक हैं, तो हमारे ग्राहक सेवा पोर्टल एक्सपीरिया के माध्यम से कार्ड के लिए आवेदन करें। बजाज फिनसर्व वॉलेट ऐप पर डिजिटल कार्ड डाउनलोड करें। बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड के ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने निकटतम पार्टनर स्टोर में जाएं और अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनें। कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एक कैंसिल्ड चेक, पासपोर्ट साइज फोटो और एक अपना सिग्नेचर ईसीएस जमा कर आप अपने चुने हुए प्रोडक्ट्स को ईजीएमआई पर घर ले जा सकते हैं। इसके बाद बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड आपको मेल द्वारा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क कार्ड का उपयोग करके आप अपनी खरीदारी को सुविधाजनक और किफायती बना सकते हैं। तो फिर आज ही बजाज फिनसर्व ईएमआई नेटवर्क पर अपना प्री अप्रूव्ड चीजों को खरीदें और इसका लुत्फ उठाएं। तो दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्ड का अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में भी आप थोड़ा जान लें, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। फाइनेंशियल एसेट को कम समस्याओं और उच्च सुरक्षा के लिए आसानी से उचित दामों पर और सुगमता से मैनेज कर सकते हैं। इसके फुल डिटेल्स लेने के लिए यहाँ पे अधिक जानकारी आपकी दी हुई है कि डीमैट अकाउंट डिजिटल मोड पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का पहला कदम है, विशेषकर अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ आप कमोडिटी, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल वेरिएबल के दौरान पैसे कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड जो है आपको मुफ्त में अकाउंट खोलने की सुविधा देता है और किफायती सब्सक्रिप्शन प्लान में उपलब्ध कई ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करता है। तो दोस्तों, BFSL सुविधाजनक ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पेपरलेस और आसान अकाउंट रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करता है। डीमैट अकाउंट में डिजिटल मोड में शेयर, ब्रांड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज आदि जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पहला आपका स्टेप है। बाद में समय के साथ महंगाई निवेशित पैसे की कीमत को कम करती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको अपने पैसे को काम पर लगाने का और उसे सही तरीके से बढ़ाने का एक अच्छा अवसर मिलता है। तो बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ आप ऑनलाइन
मुफ्त डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके क्या विशेषताएं, BFSL डीमैट अकाउंट की क्या विशेषताएं और इसके क्या प्रॉफिट लाभ है। तो ओपनिंग इसका शुल्क जो होता है वो फ्री होता है। ब्रोकरेज शुल्क ₹5 पर ऑर्डर होते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको 15 मिनट के भीतर ऑनलाइन आप कर सकते हैं अप्लाई। और डीमैट AMC फ्री होता है आपका, और ट्रेडिंग प्रोडक्ट इक्विटी डेरिवेटिव और MTF के थ्रू होता है। तो मुफ्त अकाउंट फ्रीडम सब्सक्रिप्शन पैक के माध्यम से खोला जा सकता है, जहां पहले वर्ष आपको 0 वार्षिक सब्सक्रिप्शन शुल्क होता है, दूसरे वर्ष आपको ₹421 का शुल्क होता है। डीमैट SMC 0 है। तो दोस्तों BFSL के साथ डीमैट अकाउंट क्यों खोला जाए या फ्री है, इसके बारे में बता देती हूँ। तो बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड के साथ आप मुफ्त में ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आसान है, आप इसे 15 मिनट से कम समय में पूरा कर सकते हैं। अपना पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक विवरण तैयार रखें। हमारी आसान ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको इसका ब्रोकरेज मनी भी बहुत कम देना पड़ता है। बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड इंडस्ट्री की तुलना में कम ब्रोकरेज लेती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ आप ब्रोकरेज शुल्क सिर्फ 99% तक की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों BFSL के साथ अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि हमारे आसान ऑनलाइन फॉर्म पर जाने पर अकाउंट खोलने पर अकाउंट खोले, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट खोले, इस पर क्लिक करना है। अपना मूल विवरण जैसे नाम, फोन नंबर और ID इसमें फिल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुल चुका है। ओपन योर अकाउंट विद इन 10 मिनट्स। इस पे मान लीजिए कि अपना नंबर इसमें आपको डाल करके कंटिन्यू करना है। आफ्टर दैट आप इसमें देख सकते हैं कि से बिग ऑन ब्रोकरेज विद इन अ मंथ ID, यहाँ पे आपको करना है किसने मंथ के लिए आप कर रहे हो और ट्रेड आपको कैसे चाहिए, इन कैश चाहिए, इंट्राडे चाहिए या फिर FNO चाहिए। योर एनुअल ब्रोकरेज अमाउंट विल बी ₹60 BFSL या ₹6,000 एज अ ट्रेडिशनल ब्रोकर, ₹5,940 आपका एनुअल सेविंग होगा। तो दोस्तों ये थे इसके बारे में, और आप ये 3 तरीके से अपना इजी स्टेप्स में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसको आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, मान लीजिए कि अपना उसमें नंबर आपको फिल करना है, जब से हम इस पे कंटिन्यू करेंगे तो आपका OTP आपके फोन पे चला जाएगा। हमारा OTP है, जैसे हम इसमें अपने OTP को फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे इसको, तो देख सकते हैं इसमें आपका ओपन योर अकाउंट में आपका आपको अपना फुल नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद इजीली आपका अकाउंट जो है वो 3 स्टेप्स में, उसके बाद आपका वो अकाउंट डायरेक्टली खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा, फिर अपना सिग्नेचर, OTP और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो आपको जाएगा ये डालना होगा। इस तरीके से आपका डीमैट अकाउंट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये थे कुछ इजी स्टेप्स बजाज फिनसर्व डीमैट अकाउंट बनाने के। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताया कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं, और दूसरी चीजें ये बजाज अकाउंट के फाइनेंस फिनसर्व पार्टनर प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया होगा या फिर कुछ बताना छूट गया होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि हम अपना वैल्यूएबल आपको उसका आंसर दे पाए और अगली वीडियो में सुधार कर पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।